A very warm welcome all of you. I hope you are doing well. My name is Nadeem. Today we will discuss about social marketing. The concept of this topic, the topic is hidden in this name, social and marketing. Means to say, when we are marketing for the social cause, we are marketing for the social cause, that's called social marketing. Let's understand what is the definition of social marketing. सोशल मार्केटिंग से स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू प्रमोट बिहेवियर. कैसा बिहेवियर? डिजायर्ड बिहेवियर. किस क्यों डिजायर्ड बिहेवियर? ताकि हम सोशल गुड चेंज ला सकें सोशल गुड के लिए. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको उस स्ट्रेटेजी को क्या बोलते हैं हम, सोशल मार्केटिंग. इसको मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, बिल्कुल भी आप वरी ना करें. इस को मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा आपको कि सोशल मार्केटिंग क्या होती है. बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप CUET PGMSW की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे पेड नोट्स हैं जो कि 399 में अवेलेबल हैं. अगर आप उनको चाहते हैं, पार्ट बी जो पूरा 9 यूनिट्स हैं उसको कवर करता है, इवन 10 यूनिट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि जिसमें आपकी होलिस्टिक अप्रोच के साथ तैयारी हो सके. साथ ही आपको सिलेबस भी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और 9 यूनिट्स के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि आप क्या करेंगे, आपको पूरी तैयारी होगी. और उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं उसी रिगार्डिंग. ठीक है, तो मेरी मेल आईडी है academiasweat@gmail.com. आप मुझे इस पर टेक्स्ट कर सकते हैं अगर आप उन नोट्स को लेना चाहते हैं तो. ठीक है, तो जब बैक करते हैं अपने वापस टॉपिक की तरफ, टॉपिक पे आते हैं. अब हम क्या कर रहे हैं, हम सोशल मार्केटिंग का एम क्या होता है. सोशल मार्केटिंग का एम होता है इन्फ्लुएंस करना. क्या इन्फ्लुएंस करना? और एनकरेज करना पीपल का बिहेवियर, लोगों का बिहेवियर. क्यों बिहेवियर हम उनका अडॉप्ट चेंज करना चाहते हैं? ताकि सोशल गुड की तरफ हम बढ़ सके, ताकि हम एक अच्छी चीज अपना सके. एग्जाम्पल के तौर पर अभी के लिए समझने के लिए ले लेते हैं, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान. स्वच्छ भारत अभियान में जो जो स्ट्रेटेजी अपनाई गई थी वो सब सोशल मार्केटिंग. अब एक बात बताइए, अगर हम सफाई करेंगे अपने मोहल्ले में, आसपास सफाई रखेंगे, तो उसका कितना फायदा होगा? अब वो हम क्यों कर रहे हैं, एक मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं किसी चीज़ की, कि साफ रखो, सफाई करो. स्वच्छ भारत अभियान चला दिया, इवन गवर्नमेंट ने सेस तक लगा के उसने पैसा जो कलेक्ट किया, फिर उसके बाद लोगों को उस पैसे से अवेयरनेस क्रिएट की, डस्टबिन बनवाई और बहुत कुछ किया. वो सब पैसा सेस का मतलब ये भी होता है, अगर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में, सेस के बारे में. देखो, टैक्स तो गवर्नमेंट लगाती है, टैक्स और सेस में ये डिफरेंस होता है. टैक्स से जो पैसा गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उस पैसे को कहीं भी लगा सकती है, जैसे कि वो डिफेंस में लगा सकती है, एजुकेशन में लगा सकती है, हेल्थ में लगा सकती है, ABC कहीं भी लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा सकती है. ठीक है, लेकिन जब कब सेस हम गवर्नमेंट किसी से लेती है सेस, तो सेस जो है जिस नाम पर लिया जाता है तो उसका पैसा सिर्फ और सिर्फ उसी चीज पर खर्चा किया जा सकता है, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान सेस. तो वो जो पैसा लिया जा रहा है, 1 रुपया, 2 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, आपके बिल के अकॉर्डिंग जो उस पर लिया जा रहा है कुछ परसेंट के हिसाब से, वो पैसा सिर्फ और सिर्फ स्वच्छ भारत के लिए ही जा सकता है, तो उसको बोलते हैं सेस. ठीक है, टैक्स और सेस में ये डिफरेंस होता है. चलो आगे बढ़ते हैं, अपने सोशल मार्केटिंग की तरफ आते हैं. तो क्या करता है, इनकरेज करता है बिहेवियर को लोगों के, और बेनिफिशियल होता है बिहेवियर और प्रैक्टिस, ताकि हम जो है सोसाइटी में एक अच्छा चेंज ला सकें. हम अगर सड़कों से, गलियों, नालियों से और नालों से गंदगी को हटा देंगे तो उससे क्या होगा, एक बड़ा हम अच्छी तरीके से अपनी सोसाइटी को साफ रख पाएंगे, जिसका आउटकम क्या होगा कि हमारे लोग भी स्वस्थ रहेंगे, पोल्यूशन नहीं होगा, एयर पोल्यूशन से हम बचेंगे, और बहुत सारे उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं. तो उसका क्या है, उसका फायदा, इसमें क्या लिखा है, वेलबींग ऑफ द कम्युनिटी एंड सोसाइटी एज ए होल. उसका क्या पर्पज क्या है, सोशल मार्केटिंग का पर्पज है हमें वेलबींग करना है कम्युनिटी का और सोशल सोसाइटी का एज ए होल. ये क्या है, प्रिंसिपल है सोशल मार्केटिंग, यानी फिलोसॉफी है. आगे देखते हैं थोड़ा सा और थोड़ा डीप समझते हैं. अब इसमें हमें देखना होता है कि हमारी ऑडियंस क्या है, ऑडियंस कौन है हमारी. इसमें हमें फोकस करना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है नीड को, एटीट्यूड को और बिहेवियर को, जो कि हमारी टारगेटेड ऑडियंस रहती है. इट इन्वॉल्व्स कंडक्टिंग रिसर्च टू गेन इनसाइट इनटू द ऑडियंस मोटिवेशन एंड बैरियर. ओके, फॉर एग्जांपल, आपको अगर हमारी ऑडियंस है, मान के चलो हमारी ऑडियंस है सिगरेट पीने वाले. ठीक है, जो सिगरेट पीते हैं, हमें चाहते हैं कि हम स्मोकिंग फ्री अपने सोसाइटी, सिटी बनाते हैं, वो स्मोकिंग फ्री कम्युनिटी बनाते हैं, स्मोकिंग फ्री अपना एक जोन बनाते हैं अपना. तो उसमें हम क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे कि जो भी कोई पर्टिकुलर कॉलेज होगा, पर्टिकुलर कोई पान की दुकान होगी, क्योंकि वहां पर पोटेंशियल ज्यादा होता है चैन स्मोकर्स का, तो हम उसी जगह पर एक अपनी ऑडियंस को देखेंगे, ये हमारी ऑडियंस है. तो अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म होगा, या हमें कुछ अवेयरनेस क्रिएट करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम उसी जगह को एड्रेस करेंगे. एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, सिगरेट के लिए लिखा रहता है कि सिगरेट में कॉजेस कैंसर, और उसी पैकेट पे लिखा रहता है विद पिक्चर, बड़ी ही खतरनाक सी, खोलनाक सी पिक्चर होती है, उसी पर लिखा रहता है वो सब चीजें. तो वो सब चीज देखकर भी आप जो है समझें, ताकि आपके बिहेवियर में कुछ चेंज आए. तो इस तरीके से हमें ऑडियंस भी देखनी होती है. ऐसा तो नहीं कि सिगरेट किसी की छुड़वानी है और हम माचिस के डब्बे पर लगा के भेज दें लोगों के, ये मतलब स्मोकिंग कोसेस कैंसर, ऐसा नहीं. जिस चीज से हो रही है उसी से करें.
तो अपनी ऑडियंस को हमने टारगेट करना है कि हमारी ऑडियंस कौन है, कि हमारी ऑडियंस है 18 प्लस, हमारी ऑडियंस है 16 ब्लो, इस तरीके से जो है अपना आपको ऑडियंस जो हमें अपनी सेंटर्ड रहना होता है, हमें वो भी हमें रिसर्च करनी होती है। बिहेवियर चेंज करना है, प्राइमरी गोल ऑफ सोशल मार्केटिंग क्या होता है, बिहेवियर ही चेंज करना होता है लोगों का। इट इन्वॉल्व्स प्रमोटिंग पॉजिटिव बिहेवियर सच एज अडॉप्टिंग हेल्थियर लाइफस्टाइल। अब हेल्थियर लाइफस्टाइल के लिए क्या, जंक फूड छोड़ो, जंक फूड कम से कम करो, फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा लो, सुबह एक्सरसाइज करो, ये सब क्या है हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, हमारे बिहेवियर में चेंज लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों में बिहेवियर चेंज लाना चाह रहे हैं किसके थ्रू, सोशल मार्केटिंग के थ्रू। ओके, गॉट माई पॉइंट। इसके बाद ये डिस्करेज करता है नेगेटिव बिहेवियर को, जैसे कि स्मोकिंग, ये डिस्करेज भी करता है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं एक्सचेंज। अब हमें मिलेगा क्या, सपोज करो हमने स्मोकिंग छोड़ दी, हमने नालियां साफ कर दी, हमने गली साफ कर दी, मिलेगा क्या एक्सचेंज। हमें रिटर्न चाहिए होता है, जब भी हम कुछ काम करते हैं तो हमें उसका रिटर्न चाहिए होता है, अवार्ड चाहिए होता है, या फिर हमें उसका कुछ ना कुछ तो हमें चाहे हमारी तारीफ ही कर दे कोई, हमें सिर्फ इतना ही चाहिए, लेकिन हमें कुछ ना कुछ चाहिए। एक ह्यूमन बिहेवियर है एक्सचेंज, है ना, सोशल एक्सचेंज थ्योरी जो मैं आपको, अगर आपको पढ़ना है तो सोशल एक्सचेंज थ्योरी भी मेरी यूट्यूब पर है, आप उसको स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, उसमें भी आप समझ जाएंगे सोशल एक्सचेंज थ्योरी क्या है। ठीक है, तो हमें बदले में कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हम किसी का बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं तो उसके बदले में उनको टेंजिबल रिवॉर्ड दे सकते हैं। कोई सर्टिफिकेट दे दिया छोटा मोटा, कोई कुछ भी, एक टॉफी दे दी, चॉकलेट दे दी, व्हाटएवर, अगर छोटी चीजें हैं तो ऐसी चीजें हम दे सकते हैं। कोई जानकारी हो सकती है, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि आप ऐसा करो तो हम ये देंगे, वैसे बताएंगे। बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये बेनिफिट्स बता सकते हैं उनको कि अगर आप ऐसा करोगे तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा, तो ये भी क्या दे रहे हैं, आप उसको चीज कुछ ना कुछ बता ही रहे हैं, उसको कुछ ना कुछ मिल ही रहा है, तो इस चीज़ एक्सचेंज का भी ध्यान रखा हो जाता है। इसमें है मार्केटिंग के मिक्स, मार्केटिंग मिक्स यानी कि जो कमर्शियल मार्केटिंग यूज कर, जो कमर्शियल कंपनीज हैं जो यूज करती हैं अपनी स्ट्रेटेजी को, वही सोशल मार्केटिंग में यूज होती है। जैसे कि प्रोडक्ट होता है इसमें, प्राइस होता है इसमें, प्लेस होता है इसमें, है ना, प्रमोशन होता है, ये सभी चीजें जो है इसमें भी ध्यान रखा जाता है, जिसको बोलते हैं 4 P's। इसके बारे में आगे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, डिटेल में थोड़ा। 4 P's, 4 P's के बारे में देख लेते हैं। इसमें 5 है रिसर्च एंड इवैल्यूएशन, हम रिसर्च भी करते हैं कि हमारे इस बिहेवियर को लोगों से हटाने के लिए, या फिर हम लोगों को, हम सिखाना चाहते थे कि ये, हम बताना चाहते कि स्मोकिंग छोड़ दो। हमने कैंपेन चलाने से पहले देखा कि वहां पर 10 लोग आते थे और वो 20 सिगरेट पीते थे, लेकिन हम जब ने कैंपेन शुरू किया तो हमने बाद में पता लगे वो 10 लोग आए हैं और अब उन्होंने 20 सिगरेट की जगह पर वहां पर 8 सिगरेट कर दिए हैं, 4 सिगरेट कर दिए, कम पीना शुरू कर दिया, तो वो हम ये भी देखेंगे कि उस कैंपेन के बाद हमारा क्या आउटकम रहा। तो रिसर्च एंड इवैल्यूएशन भी हम उसके बारे में बाद में जरूर करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें 4 P's हैं, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, आपका बिहेवियर चेंज हो सकता है ना, आपको कुछ रिवॉर्ड हो सकता है। पीपल हमें देखना सेंटर क्या है, प्लेस भी आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से प्लेस पर कौन सी चीज लगानी है। अगर हमें यूथ को किसी चीज के बारे में बताना है तो हम क्या क्या प्लेस देखें उसके लिए, सबसे पहले हम क्या देखें, यूनिवर्सिटीज देखें, कॉलेज देखें, स्कूल देखें, इन जगहों पर देखें जहां पर यूथ मिलता है, तो हमें यूथ को मैसेज देना है तो हम वहां पर बताएं, ना कि ओल्ड एज होम के वहां पर जाकर के हम वहां कुछ यूथ को मैसेज देना चाह रहे हैं, वहां नहीं देना, मैसेज वहां देना है जहां पर वो ऑडियंस हमें मिलती है, तो वो प्लेस का भी हमें ध्यान रखना होता है। प्राइस कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया उसका प्राइस कुछ भी हो सकता है, उसका रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, एंड प्रमोशन की जो स्ट्रेटेजी मैंने बताया, उसका पोस्टर हो सकता है, कैंपेनिंग हो सकती है, रैली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी इस तरीके से हो सकता है, उसको बोलते हैं प्रमोशन। तो ये प्रमोशन के भी इन प्रकारों से भी आप क्या कर सकते हैं, सोशल मार्केटिंग कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया कि सोशल मार्केटिंग क्या है, क्या इसके 4 P's हैं, क्या इसमें चेंज डिजायर चेंज है। अगर आपसे क्वेश्चन इससे बनता है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को देखने के बाद उसका आंसर इजीली कर पाएंगे। ओके, सो अब देखो यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी डाले हुए हैं, जैसे कि एग्जांपल ऑफ सोशल मार्केटिंग कैंपेन, एंटी स्मोकिंग कैंपेन, ठीक है, न्यूमरस कैंपेन हैव बीन लॉन्च्ड वर्ल्ड वाइड टू रिड्यूस स्मोकिंग एंड प्रमोट क्विटिंग, मतलब प्रमोट कर लो छोड़ने के लिए। दिस कैंपेन्स यूज टैक्टिक्स लाइक ग्राफिक वार्निंग्स, जो लेबल्स आते हैं सिगरेट के पैकेज पर, या फिर पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं, रेडियो के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, सेलिब्रिटीज के थ्रू, लीडर्स के थ्रू, ये सब हो सकती है। सपोर्ट प्रोग्राम टू एनकरेज पीपल टू क्विट स्मोकिंग। ओके, सीट बेल्ट के बारे में भी हो सकता है, सोशल मीडिया कैन बी, सोशल मार्केटिंग कैन बी यूज टू इंक्रीज सीट बेल्ट यूज, प्रमोटिंग रोड सेफ्टी कैंपेन अदर ऑफन हाईलाइट द बेनिफिट ऑफ वियरिंग सीट बेल्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट डूइंग सो। हमें ये भी बताना है अगर नहीं पहनेंगे तो उसका परिणाम क्या क्या हो सकता है। तो आई होप कि आप समझ में आया होगा आपको सोशल मार्केटिंग क्या होती है। ओके, सो थैंक यू सो मच। ये हमारे चैनल का लोगो है, अकेडमिया। चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब और वीडियो को शेयर करें उनके साथ जो CUET PGM सब लोग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बाय बाय।